लोकसभा चुनाव 2024 के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। एनडीए के खाते में 294 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 233 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। मैं आपको बता दूं, एनडीए ने भले ही 272 जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो पार कर लिया है, लेकिन अब कयास ये भी लगाए जाने लगे हैं कि अगर जेडीयू ने एनडीए का साथ छोड़ा और इंडिया गठबंधन का हाथ थाम लिया तो यहाँ पर एनडीए की सरकार गिर सकती है और जो सरकार दोबारा सरकार बनाने का दावा एनडीए दे रही है वो टूट सकता है। मैं आपको बता दूं, अब इसी बयान को लेकर बड़ा बयान जेडीयू के नेता का सामने आया है। दरअसल लोकसभा चुनाव नतीजों के बीच जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन हो सकता है। नीतीश कुमार एक अनुभवी राजनेता जो समाज और देश को समझते हैं और वह सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। हम एक हैं, अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पहले और आज भी लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार पीएम बने। आज के नतीजे के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो यहाँ पर क्या इशारा करना चाहते हैं। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को ऑफर देता है प्रधानमंत्री पद का, तो जेडीयू को ये स्वीकार होगा और वो जाकर जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 15 और 16 सीटों में रुझान जो आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा आगे की बढ़त, जिसमें 150,000 से खूब सारे वोटों से जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। मतलब कि क्लियर है कि उनकी जीत वहां पर फिक्स है। मतलब 15 सीटें जेडीयू के खाते में जाती दिखाई दे रही है, कंफर्म है बिल्कुल। अब ऐसे में अगर साथ छोड़ते हैं नीतीश कुमार एनडीए का, तो यहां पर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी। 2-4 नेताओं को और इकट्ठा यहां पर इंडिया गठबंधन करता नजर आएगा, तो शायद बहुत आसानी के साथ बहुमत के आंकड़े को इंडिया गठबंधन छू ले और सरकार बना ले। खैर, मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प है, यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि एनडीए के बहुमत का आंकड़ा तो देखिए एनडीए के पास है। यह हम नहीं कह रहे कि एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि सरकार बना लेगा, क्योंकि नीतीश कुमार आप सभी जानते हैं कि खेल बदलने में बहुत ज्यादा माहिर है। बिहार के 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार के। ऐसे में उनके मन में देखिए प्रधानमंत्री पद की लालसा शुरुआत से थी। हालांकि देखिए, आप सभी को पता है पहले नीतीश कुमार जो थे वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की शुरुआत करी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर जाकर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। और खबर ये भी आ रही है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश करी है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है, क्या नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।